लाइफ में इतनी कॉम्प्लिकेशंस, इतने कंफ्यूजन्स और इतने सारे डिसीजंस लेने होते हैं हमें डेली बेसिस पे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, दिस और दैट, बहुत सारी चीजें सोचनी होती हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन्स रहती हैं। वहां पे हम स्टेप इन करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग, जो भी क्वेश्चंस हैं हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी कंफ्यूजन्स हैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं और आपकी फाइनेंशियल लाइफ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, इफ यू हैव अ गुड फाइनेंशियल लाइफ यू हैव अ ग्रेट पर्सनल लाइफ। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू एंड मैं इसी तरह से हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, फन वीडियोस और किसी न किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करती हूँ। एंड अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हम और वीडियोस बनाएं। आज मैं एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगी। ये क्वेश्चन आई एम श्योर हर एक की लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे जरूर उठा होगा। इसका आंसर क्या है? व्हाट इज द राइट आंसर? देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर। इंडिविजुअल सोच है, इंडिविजुअल आउटलुक है, ये सेम नहीं हो सकता। एंड बिकॉज पर्सनल फाइनेंस है तो फाइनेंस कम है, पर्सनल ज्यादा है, तो आपकी अपनी इंडिविजुअल आउटलुक है, उस पर इसका आंसर छुपा हुआ है। बट मैं कोशिश करूंगी कि सिंप्लीफाई कर पाऊं कि आपको दिस और दैट में से चूज करने में आसानी हो। सो मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि बाय और रेंट, मतलब घर खरीदें या रेंट पे रहें। सो ये सवाल तो ये हुआ, यू नो, शादी का लड्डू है, खाओगे तब भी पछताओगे, नहीं खाओगे तब भी पछताओगे, तो ये उस तरह का सवाल है। इसमें जैसे मैंने कहा, कोई सही और गलत आंसर नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे डिसीजन लेने में आपकी हेल्प कर पाए। पहले बात, ये कंफ्यूजन है ही क्यों कि घर खरीदना चाहिए या रेंट पे लेना चाहिए? सो ये कंफ्यूजन काफी चीजों की वजह से है। अगर हम कुछ पीछे चले जाएं, हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, उनका सबका सोचना यही था कि अपना घर होना चाहिए, अपना घर तो अपना ही होता है। सो ये कंफ्यूजन वहीं से शुरू हुई क्योंकि हमारे भी थॉट प्रोसेस वही है कि अपना घर चाहिए, अपनी एज सून एज वी स्टार्ट वर्किंग हमें यह है कि अपना एक घर होना चाहिए। सो वो वहां से है। बट उन वो क्या करते थे, तब होम लोन का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, तब मेजरली यही होता था कि पैसा इकट्ठा कर लो एंड देन घर खरीदो। लेकिन अब क्योंकि रियल एस्टेट के प्राइजेस भी कुछ ऐसे हैं, अब कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ आप कैश डाउन देते हो, कुछ अमाउंट आप लमसम दे देते हो, बाकी का आप लोन ले लेते हो। और जब हम होम लोन लेते हैं तो उसमें एक टर्म यूज की जाती है, ईएमआई। आप सब लोग जानते होंगे ईएमआई क्या होता है, इट इज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। सो इसका मतलब ये है कि आप जो लोन ले रहे हैं उसको आप किस्तों में चुकाएंगे, आप एक बार रीपे नहीं कर रहे हैं, आपने लोन ले लिया उसको 15 साल 20 साल में आप इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करते रहेंगे और आपका लोन उतर जाएगा और एसेट आपका हो जाएगा। कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि इतना लिक्विड कैश, इतना लिक्विड अमाउंट, जो रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से कैश लिक्विड कम होता है यूजुअली। जब हम कमाना शुरू करते हैं तो इतना बड़ा अमाउंट निकालना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम होम लोन का रास्ता अपनाते हैं। और जब होम लोन का रास्ता अपनाते हैं तो ईएमआई इज जनरली हायर देन द रेंट। मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए आप अगर जहां पे आप घर लेना चाह रहे हैं वो 50 लाख का घर है और 50 लाख अगर आप कैश डाउन नहीं पे कर सकते हैं, आप लोन लेंगे, लेट्स से आपने 10 लाख रुपए कैश डाउन दे दिया और 40 लाख का लोन ले लिया, उस पे जो ईएमआई बनेगी और उसी घर पे को अगर आप रेंट पे लेकर रहते हैं तो वहां पे फर्क होगा। ईएमआई के ऑलमोस्ट आधे, हो सकता है आधा या आधे से भी आधे अमाउंट में आपको रेंट देकर वो घर मिल जाए। तो इसलिए कंफ्यूजन पैदा होती है कि इज इट एक्चुअली वर्थ इट कि आप इतना पैसा अपना ब्लॉक करके घर खरीदें या उसको आप रेंट पे ही ले लें। दूसरा कंफ्यूजन का रीजन एक और होता है कि ईएमआई जो है वो, मतलब आप जब होम लोन ले रहे हैं वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट है, मतलब आप आज ले रहे हैं वो 15 साल 20 साल के लिए लोन ले रहे हैं, तो वो इमीडिएटली नहीं खत्म होगा, ईएमआई आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगी अगले 15-20 साल। सो इररिस्पेक्टिव आपकी इनकम है या नहीं है, आपको ईएमआई तो पे करनी पड़ेगी। वेयर एज रेंट में आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, मान लीजिए आप मूव करना चाहते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी मूव करना चाहते हैं, इजिली आप कहीं से भी कहीं मूव कर सकते हैं अगर आप रेंट पे हैं तो। और कंफ्यूजन इसलिए है कि ईएमआई जनरली जो हम कंसिडर करते हैं वो एक इन्वेस्टमेंट है, हम ईएमआई दे रहे हैं और होम लोन को पे कर रहे हैं ईएमआई देके, लेकिन जो रेंट आपने दे दिया वो चला गया, वो रेंट वापस नहीं आएगा, वो एक एक्सपेंस माना गया। तो तब भी कंफ्यूजन खड़ा होता है कि हमें एक्सपेंस करना है या इन्वेस्टमेंट करना है या एसेट खड़ा करना है कि नहीं करना। अब हम बात करेंगे फाइनली कि घर अपना लेने का क्या फायदा है और रेंट के क्या बेनिफिट्स हैं। तो घर अगर हम लेते हैं, मान लीजिए होम लोन लेते हैं साथ में, पूरा कैश डाउन पे नहीं लेते हैं, होम लोन लेते हैं, जो कि एडवाइजेबल भी होता है अगर हम घर खरीद रहे हैं तो, बिकॉज उसके काफी सारे टैक्स बेनिफिट्स होते हैं। हर ईएमआई के दो हिस्से होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट, एक होता है इंटरेस्ट अमाउंट। तो जो उसका प्रिंसिपल पार्ट है वो सेक्शन 80C में 1.5 लाख में रिबेट मिल जाती है आपको, जो 1.5 लाख की रिबेट हमें मिलती है इनकम में, तो प्रिंसिपल अमाउंट उसमें क्वालिफाई करता है। और जो इंटरेस्ट अमाउंट है, जितना भी आप साल में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो अप टू 2 लाख आपका एग्जेम्प्ट होता है, वो इनकम में और माइनस हो जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, मान लीजिए अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए एक साल की
और प्रिंसिपल अमाउंट से आप 1.5 लाख का बेनिफिट उठा सकते हैं और 2 लाख रुपए अंडर सेक्शन 24 आपका जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो 3.5 लाख का इनकम टैक्स बेनिफिट आपको अपफ्रंट मिल जाता है, प्लस धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में आपका घर बनता जाता है। तो ये टैक्स बेनिफिट की बात करेंगे। ये बेनिफिट आपको ऑफकोर्स रेंट में नहीं मिलता, वहां पे हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, वो कंपैरेटिवली कम होता है, एचआरए अलाउंस उसको बोलते हैं, वो भी तब मिलेगा जब आप सैलरीड हैं। रेंट में ये है कि अगर आपके पास बड़ा कॉर्पस नहीं है और आप किसी कमिटमेंट में नहीं डलना चाहते और इज रेडी टू मूव इन घर है, आपको उसको घर को डेकोरेट करने की भी जरूरत नहीं है। आजकल सर्विस अपार्टमेंट्स हैं, फर्निश्ड घर है कि आपने सिर्फ अपना सामान उठाया, अपना बेसिक सामान उठाया और आप मूव इन कर गए। मान लीजिए एक जगह से आप बोर हो गए, आप दूसरी जगह पे मूव करना चाह रहे हैं, या आपकी जॉब ऐसी है जो डिमांड करती है आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाएं। बहुत सारे लोग ऐसे दिल्ली में भी हैं, अगर मैं एग्जांपल हूँ, हम दिल्ली में रहते हैं, बहुत सारे लोग हमारे सर्कल में भी ऐसे हैं कि दिल्ली में उनकी फैमिली और वो रहते हैं लेकिन उनकी जॉब गुड़गांव में है, सो दे आर स्टेइंग इन गुड़गांव, वहां पे आप रेंट पे घर लेके रह रहे हैं, घर तो दिल्ली में है ही, सो ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, प्लस मान लीजिए आज जो घर लिया हमने आज की जरूरत के हिसाब से लिया, कल को फैमिली साइज चेंज होता है, सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, हमें घर बड़ा चाहिए छोटा चाहिए, तो वो हमें इट्स अ बिग डिसीजन कि घर वो बेच के नया घर लेना। एंड जो लोग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट में नहीं पढ़ना चाहते उनके लिए रेंटिंग इज बेटर, उनके लिए फिर वो लॉन्ग टर्म बर्डन नहीं है, ईएमआई का बर्डन नहीं है, उनको सोचना नहीं पड़ेगा। आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिनकी ईएमआई फिक्स्ड है इररिस्पेक्टिव उनकी इनकम आ रही है कि नहीं आ रही है, एंड पोस्ट कोविड काफी सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि कट हुई या जॉब लॉस हुआ या अपने बिजनेस में आने का उन्होंने सोचा, तो उस टाइम पे वो डिसीजन उनके लिए टफ था बिकॉज उनके सिर पे ईएमआई फिक्स थी। एंड अपने घर खरीदने का ये मतलब है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो इलिक्विड हो जाती है, कि आपकी जो आपने इन्वेस्टमेंट करी उस पर कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप उसमें रह रहे हैं, वही पैसा मान लीजिए आप अगर इन्वेस्ट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ पेइंग ईएमआई तो वो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आता रहता है। सो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए अगर हमने एक होम लोन लिया, 60 लाख का घर था और उसमें 10 लाख कैश डाउन दे दिया और 50 लाख पे हमने होम लोन लिया, अप्रॉक्सीमेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं अज्यूम कर रही हूँ 8% और 20 साल का लोन लिया, जनरली 15 और 20 साल का लोन, जितना आप लंबा लोन रखेंगे उतनी ईएमआई कम होगी, जितना छोटा लोन रखेंगे उतनी ईएमआई बड़ी होगी। तो अगर हम 20 साल के लोन की बात करते हैं कि हमने 20 साल के टेन्योर का लोन लिया है तो 50 लाख पे जो ईएमआई आती है वो आती है 41822 मंथली, हर महीने 41822 आपको देना पड़ेगा। तो इस ईएमआई में आपको मैंने जैसे पहले बताया था दो कॉम्पोनेंट्स है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। तो इसमें शुरू में इंटरेस्ट ज्यादा जाता है एंड प्रिंसिपल अमाउंट कम होता है आउट ऑफ 41822 एंड वो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट अमाउंट कम होता रहता है और प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता रहता है। मैं आपको अगर एग्जैक्टली बताऊं कि अगर एक साल का हमने क्या उसमें इंटरेस्ट पे किया, हमने 41822 की इंस्टॉलमेंट पे की, मतलब हमने साल में 501,000 रुपये पे किए टूवर्ड्स आर होम लोन, जिसमें से 396,000 तो इंटरेस्ट में ही चला गया, मतलब मोटा मोटा आप समझिए 5 लाख में से 4 लाख तो इंटरेस्ट में ही चला गया, सिर्फ 1 लाख ऐसा था 1,05,000 जो आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट का पार्ट बना, मतलब आपने सिर्फ 1,05,000 का ही प्रिंसिपल उतारा एक साल में, बाकी का इंटरेस्ट ही पे किया आपने। तो अगर टोटल में बात करेंगे कि 20 साल में ये सिनेरियो कैसा रहता है, तो टोटल 20 साल में 50 लाख का तो आपने लोन उतारा, उस 50 लाख के ऊपर आपको 50,37,000 का इंटरेस्ट देना पड़ गया जस्ट बिकॉज आपने 20 साल के लिए वो पैसा यूज करा, आपने इंस्टॉलमेंट्स में पे करा, तो आपको घर 50 लाख का नहीं पड़ा, आपको ऑलमोस्ट 1 करोड़ का घर पड़ा वो। वर्सेस अगर आप एक 60 लाख के घर में आप अगर रेंट पे रहना चाह रहे हैं, सेम अपार्टमेंट मान लीजिए आप रेंट पे लेते हैं रादर देन बाइंग, तो आपको 15,000 से 20,000 में वो घर मिल जाता है, ऑन अ हायर साइड 20,000। तो 20,000 का अगर घर मिल रहा है और साल में आप 41,000 आप पर मंथ की ईएमआई दे रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस है। अब वही आप अगर जो 21,000 रुपए का जो डिफरेंस है आप उसको इन्वेस्ट कर दें कहीं पे, मान लीजिए म्यूचुअल फंड्स में, एफडीज में, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बन जाता है। तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था, ये एक इंडिविजुअल डिसीजन है, ये पर्सनल डिसीजन है कि आप कैसा सोचते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि वेदर यू शुड बाय और रेंट। कई लोगों को होता है कि हमें खरीदना ही है, हमें अपना घर चाहिए ही चाहिए, एंड सम पीपल आर ओके विद यू नो बीइंग प्रैक्टिकल कि रेंट पर रहना इज अ बेटर ऑप्शन फॉर देम। एक और पॉइंट है, मतलब अब जब हम घर लेने की बात करते हैं तो ये पॉइंट दिमाग में रखना जरूरी है, जैसे मैंने बोला ईएमआई एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट है, सो ईएमआई अल्टीमेटली आपके मंथली इनकम का 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर 30% से ज्यादा है तो इट इज नॉट फेवरेबल टू बाय होम। ऑफकोर्स देर आर अदर पैरामीटर्स ऑल्सो, दिस इज जस्ट अ थंब रूल दैट आई एम शेयरिंग। So, अब आप बोलेंगे मैंने इतनी बड़ी स्टोरी सुना दी और ये तो बताया नहीं कि अल्टीमेटली करना क्या चाहिए। मैं आपको दो थंब रूल्स दे सकती हूँ जो हेल्प कर सकते हैं आपको डिसाइड करने में, बट हर एक बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, ये थंब रूल्स आपको थोड़ा सा हेल्प कर देंगे कि करना क्या है एक्चुअली में।
सो एक होता है रेंट रेशियो. रेंट रेशियो मतलब अगर आपका रेंट है मान लीजिए 25,000 रुपए महीना और आप 12 महीने में देते हैं 3,00,000 रुपए, और अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 60,00,000 से कम है देन इट इज एडवाइजेबल टू बाय दैट प्रॉपर्टी. सो रेंट रेशियो अगर 20 से कम है तो वो एडवाइजेबल है कि आप प्रॉपर्टी खरीद लें. दूसरा है कि अगर आप ईएमआई आपकी मंथली इनकम के 30% से कम है, ईएमआई आपकी मंथली इनकम के 30% से कम है देन ऑल्सो इट इज फेवरेबल. आप घर खरीदना ही चाहते हैं तो आप ये वाला एक पैरामीटर भी रख सकते हैं उसमें. फाइनल बात करेंगे कि अब एग्जैक्टली आपको करना क्या है. आपको सिर्फ अपने आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं बिफोर गेटिंग इनटू दिस डिसीजन ऑफ बाइंग और रेंटिंग अ हाउस. पहला तो कि जो आपकी जॉब है, आपका जो इनकम स्ट्रीम है वो कितनी स्टेबल है. मतलब अगर आप जैसे बात करिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट है होम लोन में एंटर करने की, क्या वो आपकी जॉब और प्रोफेशन या बिजनेस को सपोर्ट कर पाएगा उस होम लोन ईएमआई को फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, ये आपको सोचना है, ये आपको डिसाइड करना है. नेक्स्ट इज कि आपकी जॉब की डिमांड क्या है. अगर आपको लोकेशन एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ही होता है तो इन दैट केस ऑफकोर्स आप देख सकते हैं कि रेंटिंग आपके लिए बेटर काम करेगा. बहुत सारे सर्विस डिपार्टमेंट्स आजकल होते हैं जहां पे सिर्फ अपना बेसिक सामान उठाए और चले गए एंड दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. सो थर्ड क्वेश्चन यही है कि आपका बजट क्या है, जिस लोकेशन पे आप घर लेना चाह रहे हैं और उस लोकेशन के लिए आपका बजट क्या है और बजट में वो फुलफिल होता है कि नहीं होता है. एक चीज आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि घर के हिसाब से बजट मत तय कीजिए, अपने बजट के हिसाब से घर तय कीजिए. सो लाइफ विल बी इजियर. अगर आपको लगता है कहीं पे भी मैंने आपके कुछ कंफ्यूजन दूर करने में हेल्प करी है, आपके डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं छोटा सा रोल प्ले करा है, सो प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट कीजिएगा. आपके कुछ भी क्वेश्चन है, आपका कुछ भी इनपुट आप देना चाह रहे हैं, कुछ फीडबैक देना चाह रहे हैं, एंड अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड ऐसे ही जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ. स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय.